फ्रेंड्स, बच्चों की रोज़ नई नई डिमांड है कि समर्स है तो कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल डेजर्ट चाहिए, तो रोज हम नया क्या बनाएं? तो फ्रेंड्स, चलो आपकी परेशानी दूर कर देते हैं और बच्चों को भी खुश कर देते हैं। आज मैं देशी फ्लेवर की रबड़ी के साथ ट्विस्ट लेके आपके बीच आई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज आपके बीच में देशी रबड़ी के साथ नया ट्विस्ट लेके आई हूँ। तो अब रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कम आंच पे दूध को उबाल लेंगे और जैसे जैसे मलाई आएगी उसे साइड करते जाएंगे। इसके लच्छे साइड में लगाते रहेंगे, इससे हमारे लच्छे एकदम मार्केट जैसी, हलवाई जैसी, रबड़ी जैसे टाइट हो जाएंगे। रबड़ी बनकर तैयार है। देखिए कितने गाढ़ी इसमें मलाई आ चुकी है। अगर आप और पतला करना चाहें तो थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड करें, नहीं तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये 1 किलो दूध का बना रहे हैं, लगभग 50 ग्राम शुगर ऐड करना है। बहुत ज़्यादा मीठी रबड़ी हमें अच्छी नहीं लगेगी, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा ऐड करें। ये साइड में जो लच्छे हमने लगाए हैं उन्हें सभी को इनमें मिक्स करेंगे। शुगर हमारी मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। केसर भिगो के रखिए, उसको मिक्स करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम कुछ देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे, फिर इसे फ्रिज में सेट करेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम जिस कंटेनर में सर्व करना है उसमें निकालेंगे। देखिए कितने अच्छे इसमें लच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल मार्केट की तरह। सिर्फ 2 चीज़ों से हमने यह लच्छेदार रबड़ी बनाई है। इसमें हमने ना तो ब्रेड ऐड किया है, ना कोई कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है, ना मिल्क पाउडर ऐड किया है। अब हम इस कंटेनर को 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। मैंगो चंक्स, ब्राउन ब्रेड है, इसकी साइड्स हमने कट कर दी है। चॉको चिप्स, रोज पेटल्स, ये चिल्ड मिल्क है, और ये डेकोरेशन के लिए बादाम पिस्ता कतरन, चेरी एंड मिंट। इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा मिल्क हटा दे। फिर इसमें हमारा जो मैंगो चंक्स है वो डालेंगे। अब इस पर हमारी रेडी जो रबड़ी है वो पोर कर देंगे, कुछ मैंगो पीसेस। अब हम मैंगो रबड़ी बनाएंगे, उसके लिए हमने नीचे थोड़ा सा पेस्ट पोर कर दिया है। अब हम इसमें रबड़ी ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा मैंगो पेस्ट ऐड करेंगे और मैंगो चंक्स डाल देंगे। पिस्ता बादाम और मिंट लीव से इसे गार्निश करेंगे। अब हम किड्स स्पेशल चॉकलेटी रबड़ी बनाने वाले हैं, उसके लिए ग्लास में रबड़ी पोर कर देंगे। अब ये हाइड एंड सीक को छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। अब बिस्किट्स इसमें ग्लास में डाल देंगे। तो
बना रहे हैं फ्यूजन डेजर्ट बूंदी परफेक्ट। इसके लिए हमें ग्लास में बूंदी डाल देनी है, उस पर हम रबड़ी पोर कर देंगे। अब हम इसे थोड़ी सी बूंदी, रोज पेटल्स और पिस्ता बादाम से गार्निश करेंगे।